फ्राइड राइस बनाने के लिए हम, वैसे आप घर पे जैसे भी राइस अपने कुक करते हो, कुकर में या कढ़ाई में, वैसे आप करो, तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है पानी, चावल जितने हैं उससे डबल पानी लिया है, और साथ में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला है, और चावल जिसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब आप देखो कि ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 मिनट और एंड इट्स डन। यस, नाउ इट्स डन। अब आप साथ शेयर करेंगे कि फ्राइड राइस कैसे बनाया जाए। इट्स सुपर इजी। सबसे पहले तो छान लो जो हमने चावल बनाए हैं उनको, अगर उसमें एक्सेस वाटर बचा है तो, और उसके बाद हम डालेंगे 3 चम्मच ऑयल, और डालेंगे लहसुन 1 टीस्पून जितना, अदरक, और इसको 1 मिनट कुक होने देंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च जितना आपको स्पाइसी चाहिए, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, उसको पूरा चॉप कर दिया बिल्कुल छोटा छोटा, साथ में ही कैप्सिकम, बीन्स, ये सब वेजीज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बीन्स डाले हैं, पत्ता गोभी डाला है, आप यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हो, कॉर्न्स डाल सकते हो, एंड कैरेट डाल सकते हो, और इन सब वेजीज को कर दो मिक्स। जब वो थोड़ी सी कुक हो जाए, अब उसके अंदर हम डालेंगे सॉसेस। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून्स डाले हैं सोया सॉस, 2 स्पून्स विनेगर, और इसे करेंगे मिक्स। साथ में ये टेस्ट के हिसाब से नमक डालो, 1 चम्मच नमक मैंने डाला है वैसे, और बस अपने चावल डाल दो, इसको मिक्स करो अच्छे से, 2-4 मिनट और कुक होने दो लो फ्लेम पे, एंड आपके फ्राइड राइस हो जाएंगे रेडी। अब गेस करो कि कल मैं क्या शेयर करने वाली आपके साथ, कमेंट सेक्शन में बताओ। कल शेयर करूँगी पक्का, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू नो नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ना, एंड बाय बाय, टेक केयर।